हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। कांग्रेस के लोग मुझे दिन में 100-100 गालियां देते हैं। 8 तारीख आते ही कांग्रेस सबसे ज़्यादा तिल मिलाती है। ऐसे तीखे तीखे पलटवार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मध्य प्रदेश विधानसभा रैली में दिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पीएम मोदी ने आज दमोह में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने राज में कभी गरीबी खत्म नहीं कर पाई, उनके राज में गरीब और गरीब होते ही गए। आज भाजपा के राज में गरीबी खत्म हो रही है। 2014 में जब हम सत्ता में आए तो आपका सेवा काल शुरू हुआ। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज पूरे विश्व में भारत का गुणगान हो रहा है। भारत का चंद्रयान 3 वहां पहुंच गया है जहां कोई देश नहीं पहुंच सका। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन की चर्चा हर तरफ हो रही है। हमारे खिलाड़ी हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भी जमकर बरसे मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही 8 तारीख आती है कांग्रेस सबसे ज़्यादा तिल मिलाती है। आज भी जब काली कमाई का जिक्र होता है कांग्रेस के लोग मुझे दिन में 100-100 गालियां देते हैं। ये सारे लोग आज जमानत पर जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर अपने खजाने भरे हैं, इसलिए आज ये लोग जमानत पर हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए एमपी के लोगों के खातों में भेजे, एक भी रुपया का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस फिर से एमपी को बीमारू राज्य बनाना चाहती है, इसलिए आज की युवा पीढ़ी को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। भाजपा सरकार की प्राथमिकता गरीब का कल्याण है। गरीब के पास उसका घर हो, इसलिए हम गरीबों को 4 करोड़ का घर बनाकर दिया। हमने मंदिर बनाया यह तो याद है, अब घर बनाए यह भी याद रखिए। पहले करोड़ों लोग घरों के बाहर शौच जाते थे, हमने 8 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए। पहले गरीब माताओं बहनों के जीवन में धुआं ही धुआं था, हमने उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन दिए। हमारी सरकार ने गरीबों के जीवन को बदलने का काम किया है। हमने कोरोना काल में पूरे देश के लोगों को वैक्सीन लगाई। कोरोना काल में हमारी सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी से सावधान रहने का समय है। यह वह पार्टी है जो गरीबों का पैसा छीनती है, घोटाले करती है और कुर्सी के लिए समाज को बांटती है। कांग्रेस के लिए राज्य और देश का विकास महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष रिमोट से नियंत्रित होते हैं, वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब रिमोट काम करता है तो सनातन को गाली देते हैं। कल जब रिमोट काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने पांडवों के बारे में बात की और कहा कि 5 हैं भाजपा में पांडव। हमें गर्व है कि हम पांडवों के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपए डाले, इससे किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। इससे एक भी रुपया इधर से उधर नहीं हुआ। एमपी के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए यहाँ निवेश की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। अगर यहाँ भाजपा के कामों को रोकने वाली सरकार बन गई तो फिर से प्रदेश बीमारू प्रदेश की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसे में यहाँ एक बार फिर भाजपा की सरकार बननी चाहिए। इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।